बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के फैंस के लिए परेशानी वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्ट्रेस के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जरीन खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद से एक्ट्रेस के खिलाफ एक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने नारकेल डांगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2018 में जरीन खान ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना में काली पूजा पर आयोजित होने वाले 6 कार्यक्रमों में उपस्थित होने को लेकर के बतौर परिश्रमिक 12 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जरीन खान वादे के मुताबिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में जांच अधिकारी ने कोलकाता के सियालदेह अदालत के सामने जरीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि जरीन खान ने ना तो जमानत के लिए अपील की और ना ही कोर्ट के सामने पेश हुए। उनके बार बार नहीं आने पर अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आयोजकों में से एक ने जरीन खान और उनके मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। जरीन की ओर से आधिकारिक बयान उनके वकील ने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है, जिनमें लिखा गया है, सभी मीडिया कर्मियों को ये ध्यान रखना होगा, मेरे मूल वकील के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा अनजाने में वारंट जारी कर दिया गया है, जिसे मेरिट के आधार पर निपटाया जाएगा। वही आपको बता दें कि हाल ही में जरीन खान को डेंगू हुआ था, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जरीन खान ने सलमान खान के साथ अपना वीर फिल्म में डेब्यू किया था। इसके बाद वो हेट स्टोरी 3, वजह तुम हो जैसी कई फिल्मों में नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाबी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है।